म्यूजिक लेकर में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए लेकर आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी गेम किस तरह से इंस्टॉल करें या किस तरह से हमें इंस्टॉल करनी चाहिए, उसका किस तरह का मेथड रहता है। तो दरअसल मैं इतनी गेम वगैरह नहीं खेला करता, तो मेरे ब्रदर हैं, रियल ब्रदर, वो इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो इस गेम को खेलते रहते हैं। तो वो बताएंगे आपको कि इस वीडियो में कि हम किस तरह से उस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने म्यूजिकल हैकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा गेमिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा पबजी गेम के बारे में कि किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में पबजी गेम को इंस्टॉल करें। अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो आप पबजी गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं है तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में पबजी गेम को इंस्टॉल करें। पबजी गेम के लिए हमारे फोन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है, जैसे कि 3GB रैम और अच्छा खासा प्रोसेसर उसमें होना चाहिए। दरअसल आपके काफी फ्रेंड पबजी गेम तो खेलते ही होंगे, तो आपको करना क्या है, उनके मोबाइल फोन से पबजी गेम की एप्लीकेशन को और उसके अंदर एक हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है, उसको वाई शेयर इट या फिर और मेथड के साथ हमें अपने मोबाइल फोन में ले लेना है। उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको शो कर देता हूँ। तो फाइल शेयर करने के लिए हम शेयर इट को कर लेते हैं ओपन। तो जिस मोबाइल में हमें पबजी गेम को डालना है उसमें हम कर लेते हैं रिसीव। तो सबसे पहले हम शेयर करेंगे पबजी ऐप को और उसके बाद जाएंगे हम फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे एंड्रॉयड में। तो इसमें हमें OBB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दरअसल हमारा फाइल नेम रहता है com.tencent.ig। इसको करेंगे ओके, के बाद करेंगे शेयर। तो शेयरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम अब कर लेते हैं पबजी मोबाइल गेम को इंस्टॉल। हमारी एप्लीकेशन हो गई है इंस्टॉल, तो इस पर करेंगे डन। डन करने के बाद हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में या फिर फाइल मैनेजर में। तो उसके बाद जाएंगे हम शेयर इट में, जहां पर हमने इस फाइल को रिसीव किया है। दरअसल ये रहती है हमारी फाइल, इसको करेंगे हम मूव या फिर कट। कट करने के बाद हमें पेस्ट करना है एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड में है OBB का ऑप्शन, तो इसमें हम इस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम आएंगे बैक और गेम को करेंगे प्ले। दरअसल इसके लिए हमारा डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ये दरअसल ये इंटरनेट पर ही काम करती है। शेयरिंग की सारी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप इस प्रोसेस को देख सकते हो। तो इसमें माइनर अपडेट है कोई, तो इसको हम कर लेते हैं अपडेट। में हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एज ए गेस्ट, ट्विटर, फेसबुक। अगर हम फेसबुक अकाउंट के साथ इसे अटैच करते हैं, अगर कोई हमारे फ्रेंड पबजी गेम को खेलता है तो उसकी लिस्ट इसमें शो हो जाएगी, उनको हम इस गेम में इनवाइट करके उनके साथ पबजी गेम को खेल सकते हैं। तो इसमें मैं कर लेता हूँ क्लिक एज ए गेस्ट पे, कर लेता हूँ एग्री। दरअसल हम इसमें अपने जेंडर को भी फिल कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जेंडर इसमें रहता है, और हेयर स्टाइल इस प्रकार से हम अपने इसमें। तो दरअसल हमें इसमें अपना यूनिक नेम भरना होगा। तो इस तरह से हम पबजी गेम को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम गेम को डाउनलोड करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, वो सभी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा ही ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त देख सकें कि किस तरह से हम मोबाइल फ़ोन से अपने बिना डाउनलोड किए गेम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इन फ्यूचर हम गेमिंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, और वैसे तो टेक्निकल वीडियो आपके लिए आती रहती हैं। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।